एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे लाइमलाइट में है। अंकिता ने हाल में ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें वो साड़ी पहने नजर आ रही है। इन तस्वीरों में अंकिता काफी खुश लग रही है और अलग अलग अंदाज में हंसते खिलखिलाते हुए पोज देती हुई दिखाई दी। तस्वीरों के साथ अंकिता ने पोस्ट में लिखा, खुश कैसे रहा जाए, हर सुबह तय करो कि आप अच्छे मूड में हो। अंकिता द्वारा इन तस्वीरों को शेयर करने के बाद लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अंकिता को ट्रोल किया तो कईयों ने उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और खुश रहने को कहा। एक यूजर ने लिखा, मुझे तस्वीरें देखकर यही लगा कि कितनी जल्दी अंकिता भूल गई सुशांत को, हम लोग उसे नहीं भूल पाए। एक अन्य यूजर ने लिखा, अरे वो सब नौटंकी थी इसकी, यही प्यार है सुशांत के लिए जो हम सब देखकर समझ सकते हैं, मतलब ही है दुनिया। एक यूजर ने लिखा, वैसे तो सच्चा प्यार करती थी और स्टाइल दिखा रही है, हमारा सुशांत के साथ कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी यकीन नहीं होता कि वो इस दुनिया में नहीं है। एक यूजर ने लिखा, एक्टिंग रियल लाइफ में किया करो, रियल में नहीं, कोई इतना भी बेवकूफ नहीं, हर चीज में पब्लिसिटी चाहिए होती है इनको। एक अन्य यूजर ने लिखा, ऐसा ही होता है, कौन रोता है सारी उम्र, सिर्फ एक माँ ही होती है जिसने जन्म दिया, बाकी सब रिश्ते नाम के लिए ही है बस। एक यूजर ने लिखा, सब नौटंकी है, सुशांत बहाना बन गया लाइमलाइट में आने का। एक यूजर ने लिखा, आजकल असली प्यार खत्म हो गया, अगर प्यार होता तो छोड़कर नहीं जाती। एक यूजर ने लिखा, सुशांत की मौत के बाद अंकिता सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो गई है, कोई भी सुशांत को प्यार नहीं करता, बहुत जल्दी सब उसे भूल गए। एक अन्य यूजर ने लिखा, शर्म आनी चाहिए, सुशांत सिंह की पूरी फैमिली दुखी है, अगर तू ठीक हो गई तो अपनी खुशी अपने पास रख, इतना फोटोशूट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक अजनबी होकर भी सुशांत की मौत नहीं भुला पा रहा। वहीं कुछ लोगों ने अंकिता को सपोर्ट भी किया। एक यूजर ने लिखा, अंकिता की अपनी भी लाइफ है, लेकिन ये भी याद रखती कि सुशांत को अभी इंसाफ नहीं मिला। आप भी अपनी जगह सही हो, कब तक दुखी रहेंगे, दुख से बाहर आना होगा। एक अन्य यूजर ने लिखा, लुकिंग ब्यूटीफुल, सुशांत की मौत से पहले ही वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, जिस लड़के के साथ वो है उसके प्रति भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वैसे भी क्या वो उस लड़के के लिए जिंदगी भर रोती रहेगी, जो इससे ब्रेकअप के बाद लड़कियां ऐसे बदलता था जैसे कपड़े, जितनी सिंपैथी अंकिता को दिखानी चाहिए थी उससे कई ज्यादा उसने दिखाई ही है, वो भी एक्स होने के बाद। बता दें कि सुशांत की मौत के बाद से अंकिता लगातार उनके लिए इंसाफ की मांग कर रही है, वो सुशांत के पिता से मिलने के लिए पटना भी गई थी। सुशांत की बहनों के साथ भी अंकिता की अच्छी बॉन्डिंग है, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।